घना स्याणा बनने में कोई फायदा ना है। पुरानी बात है, मैंने एक प्लाट खरीदा मॉडल टाउन में, प्लाट चकोरना था, तिरछा टेढ़ा था, और उसका जो मालिक था वो एक बाबा जी था, ब्याह नहीं करा रहा और डेरे में पूरा दबदबा उसका। मैंने बहुत तेज आदमी लग गया, मैंने उसमें जब बयाना लिखने लगे तो लिखवा दिया कि अगर एक भी गज कम पाया तो एक गज के पैसे काट लिए जाएंगे। बाबा जी ने अगली लाइन लिखवा दी कि अगर एक भी गज फालतू पाया तो उसके पैसे अलग से लिए जाएंगे। रुवाई बनी, जब पटवारी ने लिया ना पा तोला तो एक गज फालतू पाया और मैंने काम खा गया, एक गज के पीछे और देने पड़े। ऐसा बहुत बार होता है जिंदगी में। मैंने कितने किस्सा पढ़ाया कि एक आदमी ने कुआ खरीदा 5,000 रुपया, पुरानी बात है, 5,000 रुपया में उसने कुआ बेच दिया। कुआ बेच के घर आया तो उन्हें सोचने लग गया, यार तेने तो सस्ता ही बेच दिया, क्यों ना इसने मूर्ख बनाऊं। और उसने जिस तरह कुआ बेचा था उस तरह कहने लगा, भाई देख दे तू इसमें तो पानी काटेगा ना, मैंने कुआ बेचा पानी नहीं बेचा, इसमें तो पानी काटेगा तो पीछे लागेंगे, एक बाल्टी के 7 रुपये लूंगा। वो कहने लगा, ठीक है भाई, हमने तो पानी चाहिएगा ना, तो 7 के चाहे तू 10 ले लिए, पर नहीं हुआ तू अपने पानी ना फटाफट काट ले, मैंने कुआ खरीदा पानी ना खरीदा, और जब कुआ होगा मैं पानी रखेगा ना तो 1 बाल्टी के 7 रुपये लूंगा, जितना जल्दी हो तू काट ले। फंस गया, घना स्याणा बने था। ऐसा बहुत बार होता है। दुकान पे एक महिला आई और दुकानदार तक कहने लगे, भाई बढ़िया सा तरबूज दे। दुकानदार भीतर गया और फ्रिज में तरबूज लाया, काट के तोल के दिया, लो बहन जी 1.5 किलो का है। नहीं नहीं भाई जी, 1.5 से काम नहीं चलेगा, 2 किलो का चाहिए मुझे तो। अब दुकानदार के पास तरबूज 1 के था, उससे तरबूज ने ठा ले गया और पट्ठा भीतर नाटक करके और ले आया और रख के तराजू पर उधर उंगली से दबा दिया और कहता, ओहो पूरा ही तो 2 किलो का मिल गया। बहन जी राजी होगी और कहने लगी, भाई ऐसे कर, तरबूज रोज रोज तुम्हें ठा के ले नहीं जा सकती, तू दोनों दे दे। और वो फंस गया क्योंकि तरबूज 1 ही था। जब हम घने छाने बनाए ना, जब यह हालत हो, बेईमाना कराया सदा ताई गाह खो दिया, और जब नियत ला के काम करा ना, जब भगवान तरक्की दे। और ये हमने व्यापार में देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा बुजुर्गों से कि बरकत जब हो है जब आदमी की नियत ठीक हो। कदे भी कोई चीज़ बेचते खरीदते नहीं, नियत खराब नहीं करनी चाहिए। और जितना आप घने समझदार बनोगे ना, नुकसान होने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। और बेईमाना, मैं कहता हूँ बेईमाना में तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ आप सोच नहीं सकते। कदे भी बेईमाना और घनी शरपत नहीं करने चाहिए, इन अल्टीमेटली हमने नुकसान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।